दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसने कुछ ही सेकंड्स में हजारों इंसानों और जानवरों की जानें ले ली थी। एक झील तो ऐसी है जो परिंदों को मिनटों में पत्थर का बना देती है। आइए जानते हैं इन झीलों के बारे में। लेक न्योस। 1986 के अगस्त महीने के आखिरी दिनों की बात है, जब एक मुसाफिर सेंट्रल अफ्रीका के देश कैमरून के एक वोम नाम के गांव से दूसरे गांव न्योस जा रहा था। उस दिन रास्ता सुमसान था। रास्ते में आगे जाकर उस मुसाफिर की नजर एक हिरन पर पड़ी जो मरा हुआ था। कुछ ही वक्त में उसने देखा कि वहां पर एक नहीं बहुत से कई सारे जानवर मरे पड़े हैं। मुसाफिर को लगा कि हो सकता है यहाँ पर आसमान से कोई बिजली गिरी हो, लेकिन फिर आगे चलकर वह एक बस्ती में पहुंचा तो उसे लगा कि चलो बस्ती वालों से पूछा जाए कि आखिर यहाँ पर क्या मामला हुआ है। लेकिन जैसे ही वो उस बस्ती के पहले घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि घर में मौजूद सारे लोग मर चुके हैं। मुसाफिर की फटकर हाथ में आ गई, वो वहां से भागा और दूसरे घर में घुस गया, लेकिन वहां पर भी सारे लोग मरे पड़े थे। अब मुसाफिर की और जोर से फट पड़ी और वो वहां से भागा और वापस वोम गांव की तरफ दौड़ लगाई। जब वो वोम पहुंचा तब तक न्योस और उसके आसपास के गांव के कई लोग पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ कोई धमाका हुआ था। कुछ कह रहे थे कि हवा में बहुत बुरी बदबू फैल गई थी, लेकिन असल में क्या हुआ था ये किसी को भी फिलहाल मालूम नहीं था। जल्द ही फ्रांस और अमेरिका के वैज्ञानिकों का एक ग्रुप वहां पहुंच गया और जब लाशों की जांच की गई तो इनमें से किसी भी लाश पर कोई भी जख्म या घाव मौजूद ही नहीं थे, और ना ही ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कोई हाथ पांव मारे हो। बस यही हुआ था कि ये लोग जहां पर थे, जो कर रहे थे, उसी हालत में एकदम से मर गए। ये एक अजीब मंजर था। खैर, फिर ये रिसर्च करने वाली टीम उस इलाके को जांचने के लिए निकली और जैसे ही वो लोग न्योस में मौजूद एक झील के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने नोट किया कि झील का पानी गहरे भूरे रंग का हो चुका है। और ज्यादा रिसर्च करने पर पता चला कि हजारों इंसानों और जानवरों का कातिल कोई और नहीं बल्कि यही न्योस नाम की झील ही थी। जी हाँ, दरअसल 21 अगस्त 1986 को इस झील के पानी में से एक बहुत ही जहरीली गैस रिलीज हुई थी और इसी जहरीली गैस ने आसपास के हजारों इंसानों और जानवरों की जानें ले ली। और भी रिसर्च करने पर यह बात सामने आई कि न्योस झील 400 साल पहले एक वॉल्केनिक क्रेटर या ज्वालामुखी की खाड़ी में बनी थी, और क्रेटर झीलों में आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ही पाया जाता है क्योंकि ये जहरीली गैस झील के नीचे वॉल्केनिक एक्टिविटी या ज्वालामुखी के लावे से बनती है। इसलिए झील के पानी में हरकत होने की वजह से ही झील के नीचे से ऐसी जहरीली गैस निकलती रहती है। लेकिन ये न्योस झील तो एक ही जगह पर ठहरी हुई थी और शांत झील थी, इसका पानी एक ही जगह पर पड़ा हुआ था। इसी वजह से झील के नीचे का कार्बन डाइऑक्साइड एक लंबे वक्त से झील के नीचे ही दबा हुआ था। न्योस झील का खामोश पानी असल में इसके नीचे दबी हुई जहरीली गैस से धीरे धीरे पड़ता चला जा रहा था। इस बात का किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इस खूबसूरत झील के ठहरे हुए पानी की यह गहरी खामोशी हकीकत में एक मौत का पैगाम था जो किसी भी वक्त तबाही मचा सकता था। और फिर हुआ भी ऐसा ही। 21 अगस्त 1986 को इस सोई हुई झील को किसी ने जगा दिया। इसको जगाने वाली चीज कोई लैंडस्लाइडिंग या जमीन का सरकना था, किसी बड़े पत्थर का पानी में गिरना था, या फिर इस झील की तह में गहराई के अंदर कोई छोटा सा ज्वालामुखी फटा था। अब इनमें से चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला और आसपास के हजारों लोग और जानवर मौत की नींद सो गए। झील के इस तरह फटने को साइंटिफिक भाषा में लिम्निक इरप्शन कहा जाता है। इस झील के फटने से 300 फीट से ज्यादा ऊंचा पानी का एक फवारा हवा में उठा, बिल्कुल सुनामी की तरह। झील के फटते ही 20 सेकंड में तकरीबन 1.2 क्यूबिक किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। जहरीली गैस की इस बड़ी लहर ने कुछ ही वक्त में पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और आसपास के लोग जैसी हालत में थे उसी हालत में मर गए। न्योस गांव के अंदर 800 में से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बच पाए। झील से 25 किलोमीटर के अंदर रहने वाले कुछ लोग भी इससे मारे गए। कुल मिलाकर 1746 लोग इस हादसे में मौत का शिकार हो गए। 3500 से ज्यादा पालतू जानवर भी मर चुके थे और न्योस झील नीले रंग से गहरे भूरे रंग में बदल गई। लेक ऑफ डेथ। इटली के मशहूर टापू सिसिली में मौजूद ये झील अपने नाम ही की तरह खतरनाक है।
इस झील में पानी नहीं बल्कि तेजाब बहता है जो किसी पत्थर को भी पिघला सकता है। अगर कोई भी चीज इसके पानी में गिरेगी तो उसका नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि इस झील में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा इसमें इतनी ज्यादा है कि झील का पानी पानी से तेजाब ही बन चुका है। अगर कोई गलती से भी इस झील में उतर जाए तो ऐसे पिघल जाएगा कि उसकी हड्डियां तलाश करना भी मुश्किल हो जाएगा, और वो भी सिर्फ एक ही मिनट में। इस झील के आजू बाजू इंसान तो दूर, कोई पौधा भी यहाँ पर नहीं उगता। इस झील में इतना सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है कि इसमें माइक्रोगैनिस्मस जो किसी भी हालत में जिंदा रह सकते हैं वो भी यहाँ पर फौरन हलाक हो जाते हैं। झील का पानी तो तेजाब बन ही चुका है, इसके अलावा यहाँ की हवा में भी जहरीली गैस के तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पर सांस लेना भी मौत को मुंह में लेने के बराबर होगा। वैज्ञानिकों के हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड झील के नीचे से दाखिल होता है। खतरनाक होने के साथ साथ ये झील काफी खूबसूरत भी है। इसके अलावा एक और बात ये कि इस झील के बारे में कहा जाता है कि वहाँ मौजूद सिसिलियन माफिया यानी लोकल गुंडे अपने शिकार को, जिन्हें वो मारना चाहते हैं, यहाँ पर लाते हैं और इस तेजाबी झील में फेंक देते हैं। लेक नेट्रॉन। ये झील पूर्वी अफ्रीका के देश तांजानिया के शहर अरुशा में मौजूद है। ये एक नमकीन झील है जो अल्कलीन है, यानी इसका पीएच लेवल 7 से ज्यादा है। ये झील ज्यादा गहरी नहीं। नेट्रॉन झील में अल्कलीन पानी का पीएच लेवल 10.5 है। जो पानी हम पीते हैं उसका पीएच लेवल 7 होता है। अगर पानी का पीएच लेवल 7 से कम हो तो वो तेजाबी पानी यानी एसिडिक पानी माना जाएगा, और अगर पीएच लेवल 7 से ज्यादा होगा तो ये पानी अल्कलाइन माना जाएगा। नेट्रॉन झील का ये पानी इतना अल्कलाइन है कि जानवरों की चमड़ी और आंखों को जला सकता है। दरअसल इस झील के आसपास ज्वालामुखी मौजूद है जिनका लावा इस पानी में गिरता रहता है, जिसकी वजह से इस पानी में सोडियम कार्बोनेट और दूसरे पदार्थों की ज्यादा मात्रा पाई जाती है। इन्हीं की वजह से झील का पानी गहरा लाल रंग का है। ऐसा लगता है जैसे ये झील खून से भरी हो। इस झील का पानी इतना खतरनाक है कि अगर कोई परिंदा यहाँ पर पानी पीने के लिए उतरता है तो वो दोबारा उड़ान नहीं भर पाता, क्योंकि ये खतरनाक झील इस परिंदे को फौरन पत्थर का बना देती है। ऐसा पानी में मौजूद नमक और हाई अल्कलीन पीएच लेवल की वजह से होता है। जब कोई परिंदा पानी को छूता है तो झील में मौजूद पदार्थों की वजह से कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे इंसॉल्युबल कैल्शियम पदार्थों की वजह से परिंदे की बॉडी में मौजूद टिश्यूज सख्त होना शुरू हो जाते हैं, और यूं परिंदा मौत का शिकार हो जाता है। मौत के बाद देखने में ये परिंदा ऐसा लगता है मानो ये पत्थर की कोई मूर्ति हो, यहाँ तक कि इसके पर भी जैसे के तैसे पत्थर ही बने रहते हैं। एक और दिलचस्प बात ये कि जहाँ पर ये झील कुछ परिंदों के लिए मौत है, वहीं पर कुछ परिंदों के लिए ये जिंदगी की तरह है। जी हाँ, फ्लेमिंगोज नाम के परिंदे इसी पानी के आसपास घूमते फिरते रहते हैं। ये फ्लेमिंगोज परिंदों की एक नस्ल है जिनकी लंबी लंबी टांगे और लंबी गर्दन होती है। तो दोस्तों, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ ये झील कुछ परिंदों की जान ले लेती है, उन्हें पत्थर का बना देती है, वहीं दूसरी तरफ ये फ्लेमिंगोज का घर भी है। तो इसकी वजह ये है कि फ्लेमिंगोज हाई पीएच लेवल को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये लगभग 12 पीएच लेवल के अंदर भी आराम से रह सकते हैं। एक सवाल ये कि अगर कोई इंसान इस झील के पानी में उतरे तो क्या वो भी पत्थर का बन सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये आपको फौरन पत्थर का नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई कट या जख्म लगा हुआ है तो आपको बड़ी तकलीफ पहुंच सकती है। ज्यादा देर तक इस पानी में ठहरे रहना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी 3 कातिल झीलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए।